आपने ताजमहल को देखा होगा, उसकी सुंदरता के चर्चे भी सुने होंगे, क्योंकि वो 7 अजूबों में से एक जो है। लेकिन आज की खबर में हम आपको बताएंगे ताजमहल का एक अनसुलझा रहस्य, जिसकी पुष्टि हम नहीं बल्कि एक वायरल वीडियो कर रहा है। काफी दिनों से एक खबर वायरल हो रही है, यूट्यूब में टॉप ट्रेंडिंग में बना एक वीडियो है, जहां लिखा है ताजमहल का वो दरवाजा जिसे खोलने से सरकार भी डरती है। इसकी खबर के पीछे कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता, लेकिन वायरल वर्ल्ड में यह खबर नंबर 1 पर बनी हुई। वीडियो में बताया गया है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू करवाया गया था, और आज भी ताजमहल का निर्माण कुशलता का एक बेमिसाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी अधिक कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊपर है उतना ही धरती के नीचे बनाया गया है। उस समय कोई भी किला बनाया जाता था तो बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था। ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है, इसके नीचे एक रास्ता भी है जो कहीं दूर बाहर निकलता है, लेकिन उन तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंट से ही बंद करवाया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन ईंटों को ताजमहल के निर्माण के पश्चात बनाया गया था, अर्थात इन कमरों को बनाने के पश्चात इन्हें ईंट से ढक दिया गया। दरवाजों को खोलने का ऐसा हक केवल सरकार के पास ही है। शायद उन दरवाजों के पीछे कोई बड़ा खजाना हो सकता है। शायद पुरातत्व शास्त्रियों का मानना है कि उन दरवाजों के पीछे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं, जो हमारे इतिहास को बदल कर रख सकते हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। देखना यही है कि आखिर क्या यह सच बात है, और अगर ये बात सच है तो सरकार कोई खास कदम क्यों नहीं उठा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।